जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डेली आज के बाद आपकी डेली क्लास रहेगी भी सुबह 10 बजे, ठीक है ना, बायोलॉजी की, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। चलिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, अंकुरित गेहूँ में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन B1। तो अंकुरित गेहूं में विटामिन जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वो विटामिन ई मिलता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे विटामिन ई कर लीजिएगा एक ही जगह, ठीक है ना, विटामिन ई और विटामिन सी। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई व विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ गेहूँ में तो B1 है, B2 है, B6 है, वह विटामिन ई पाए जाते हैं। लेकिन अंकुरित गेहूं में अगर आपसे पूछ ले तो विटामिन ई और सी पाए जाते हैं। लेकिन जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उन विटामिनों का ह्रास हो जाता है पिसाई के समय। गेहूं की जब पिसाई करवाई जाती है तो उस समय वसा में घुलनशील विटामिनों का ह्रास हो जाता है, यानी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, और एक मेरे पास कमेंट आए थे भी सर राजस्थान पटवारी के लिए, तो देखिएगा बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो राजस्थान पटवारी के लिए भी यानी उपयोग में ले सकते हैं आप उसमें, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं की किस प्रजाति में सूजी बनाई जाती है? गेहूं की किस प्रजाति से सूजी बनाई जाती है? मार्कोनी गेहूं, पीसिया गेहूं, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं की जो मार्कोनी गेहूं है, गेहूं की जो मार्कोनी प्रजाति है उससे हम सूजी बना सकते हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। सूजी है, सेमिया है तथा वर्मीशेला है, गेहूं की मार्कोनी प्रजाति से बनाया जाता है, ठीक है। और असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त प्रजाति मार्कोनी गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है, बिस्कुट तथा केक बनाने की दृष्टि से कौन सा गेहूं उत्तम है? बिस्किट तथा केक बनाने की दृष्टि से कौन सा गेहूं उत्तम है? पीसिया गेहूं, मार्कोनी गेहूं, टी कॉम्पैक्टम अप्रोक्सबी। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, बिस्किट तथा केक बनाने की दृष्टि से कौन सा गेहूं उत्तम है? तो पीसिया गेहूं आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, गेहूं के प्रोटीन में किस आवश्यक एमिनो एसिड का अभाव होता है? गेहूं के प्रोटीन में किस आवश्यक एमिनो एसिड का अभाव होता है? लाइसिन, थियोनिन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी लाइसिन और थ्रियोनिन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गेहूं के प्रोटीन में लाइसिन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड का अभाव होता है। अगर मैं बात करूँ गेहूं के अंकुरण में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है 29.2%, याद रखना, ठीक है ना। गेहूं में, गेहूं के अंकुरण के समय सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 29.2% पाया जाता है। और गेहूं में जेंथोफिल नाम का एक पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है ना, जेंथोफिल नाम का एक पिगमेंट भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर, चावल पर, मक्का पर, बाजरा पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गेहूं पर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज, ट्रिटिकम एस्टिवम, सोलेनम, ट्यूबरोसम, मोमार्डिका, केरेंसियालिन।
तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जियामेज। मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा जियामेज। गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्के का वैज्ञानिक नाम होगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम होगा और मक्के का वैज्ञानिक नाम जियामेज होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अनाजों की रानी है वो मक्का को बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा होता है भाई, ठीक है ना, इसमें एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प लगे होते हैं, याद रखना। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा होता है, इसमें एक ही पौधे में नर व मादा पुष्प लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मक्का में कौन सा प्रागण पाया जाता है, मक्का में कौन सा प्रागण पाया जाता है, स्व प्रागण, पर प्रागण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मक्का में पर प्रागण पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मक्का की उत्पत्ति किससे हुई थी, किससे हुई है, पाइकोरन, मकई, सॉफ्ट कॉर्न, पॉपकॉर्न। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाइकोरन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मक्का की उत्पत्ति किससे हुई है, तो पाइकोरन से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक किस फसल में पाई जाती है, गेहूं में, मक्का में, चावल में, बाजरा में। तो स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक है वो मक्का में पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसके प्रोटीन को जीन कहते हैं, किसके प्रोटीन को जीन बोला जाता है, मक्का के प्रोटीन को, बाजरा के प्रोटीन को, या फिर गेहूं के प्रोटीन को, या फिर ज्वार के प्रोटीन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मक्का के प्रोटीन को, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसके प्रोटीन को जीन बोला जाता है, तो मक्का के प्रोटीन को जीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मक्का किस ऋतु की फसल है, रवि, जायद, खरीफ, ऑल ऑफ दीज। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मक्का है वो ये सभी, यानी रबी की भी है, जायद की भी है और खरीफ की भी है, यानी मक्का खरीफ, रबी व जायद तीनों ऋतुओं की फसलें हैं। जायद में इसे चारे के रूप में भी उगाया जाता है, याद रखना, जायद में इसे मक्के को चारे के रूप में भी उगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पॉपकॉर्न किससे बनाया जाता है, पॉपकॉर्न किससे बनाया जाता है, ज्वार से, मक्के से, गेहूं से, बाजरे से। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मक्के से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पॉपकॉर्न किससे बनाया जाता है, तो मक्के से बनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न में से मक्का की किस्म कौन सी है, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, ऑल ऑफ दीज। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा निम्न में से मक्के की किस्म कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सारी की सारी मक्के की किस्में हैं, डेंट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, वैक्सी कॉर्न है, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मक्का का उपयोग किया जाता है, मक्का का उपयोग किया जाता है कॉर्न फ्लेक्स में, भुट्टे में, पशु चारण में, उपरोक्त सभी में। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयोग सभी में, मक्के का उपयोग है वो कॉर्न फ्लेक्स में भी किया जाता है, भुट्टे में भी किया जाता है और पशु चारण में भी किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मक्का के दानों में कार्बोहाइड्रेट की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, मक्का के दानों में कार्बोहाइड्रेट की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 79%, 12%, 5%, 2%। तो आपका राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन में वो हो जाएगा 79%, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मक्के में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 79% पाई जाती है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, मक्के में प्रोटीन है वो 5 से 12% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, 5 से 12% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और 79% है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार का
ज्वार को क्या कहा जाता है? स्वीट कॉर्न, काफिर कॉर्न, वेक्षी कॉर्न, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ज्वार को क्या कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वनस्पति शास्त्र में इसे सोर्धम बल्गेरी या फिर माइलो भी कहते हैं। ज्वार को वनस्पति शास्त्र में सोर्धम बल्गेरी या इसका दूसरा नाम है माइलो भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेलाग्रा नामक बीमारी किस फसल के कारण होती है? पेलाग्रा नामक बीमारी किस फसल के कारण होती है? ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्वार, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ज्वार में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण ही अधिक ज्वार खाने वाले लोगों में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, याद रखना। ठीक है ना, पेलाग्रा नामक बीमारी किस फसल के कारण होती है? तो ज्वार के कारण होती है, और ज्वार में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, जिसके कारण है वो अधिक ज्वार खाने वाले लोगों में पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, ज्वार के पौधे कौन सा अम्ल पैदा करते हैं? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोसाइनाइड, मेलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ज्वार के पौधे कौन सा अम्ल पैदा करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोसाइनाइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, हाइड्रोसाइनाइड अम्ल पैदा करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बाजरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन ए भी मिलती है और विटामिन बी भी मिलती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाजरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में मिलती है और विटामिन बी है वो भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। बाजरे में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करूँ तो 67% पाया जाता है। ठीक है ना, बाजरे में कार्बोहाइड्रेट है वो 67% मिलता है। उसके अलावा अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो 11.6% है वो आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर मैं वसा की बात करूं तो 5% वसा आपको मिलेगी, और खनिज पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो 2.7% आपको बाजरे में खनिज पदार्थ मिलेंगे, याद रखना। ठीक है ना, बाजरे में कार्बोहाइड्रेट 67%, प्रोटीन 11.6%, वसा 5% और खनिज पदार्थ 2.7% पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।